पहला क्वेश्चन था, एच एंड कंपनी अ रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ मेघालय वॉन्ट्स टू ऑप फॉर कंपोजिशन लेवी द टर्नओवर लिमिट इज मेघालय बी 75 लाख। तो वन का आंसर हो गया बी। प्लीज एजेंट कॉपी में बस वन का आंसर बी लिख लेना। हाँ, जीएसटी इज नॉट पेबल बाय रेसिपियंट ऑफ सर्विस इन द फॉलोइंग केसेस। सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ स्पॉन्सरशिप, सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ स्पॉन्सरशिप टू एबीसी लिमिटेड। इसमें तो भैया रेसिपियंट को क्या देना है, रेसिपियंट को देना है। सर्विस अप्लाइड बाय डायरेक्टर ऑफ लेट्स लिमिटेड टू मिस्टर कृष्णा, टू मिस्टर कृष्णा। मुझे लगता है इसमें आरसीएम नहीं लगेगा। सर्विस बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट बाय वे ऑफ सर्विस स्पीड पोस्ट, इसमें आरसीएम नहीं लगेगा। सर्विस अप्लाइड बाय रिकवरी एजेंट टू एसएनएसपी, इस पे आरसीएम लगेगा। तो फाइनली आंसर हो गया टू। मेरा आप लोग को ये एडवाइस है कि आप पूरा एबीसीडी चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद ही डिसीजन लीजिए। तो इसमें पूछा जा रहा है वन एंड टू, टू एंड वन एंड फोर, टू एंड थ्री, थ्री एंड टू एंड फोर। तो भैया इस पे तो आरसीएम नहीं लगता, नो आरसीएम। सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ स्पॉन्सरशिप टू एबीसी लिमिटेड, इस पे आरसीएम लगता है। सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, इसमें आरसीएम नहीं लगता, पहले बोला था। तो आंसर इज इज टू एंड थ्री, टू एंड थ्री, टू एंड थ्री नजर आ रहा है, यस सी। तो टू का आंसर हो गया सी। आई होप आपका राइट हुआ होगा। कैन अ रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्टेन फॉर कंपोजिशन, जो पीछे जो बाजू वाले का छापे ना उनको कुछ ध्यान नहीं रहता, लेकिन जो अपने मन से किए उनको सब ध्यान रहता है कि हम क्या किया था। नहीं, कल एग्जाम दिया आज ध्यान नहीं रह रहा है, समझ आ तो रहे। कैन अ रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्टेन फॉर कंपोजिशन स्कीम कलेक्ट जीएसटी ऑन इज आउटवर्ड सप्लाई, यस इन ऑल केसेस, यस ओनली ऑन सच गुड्स एज मे बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यस ओनली ऑन सच सर्विसेज एज मे बी नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। आंसर इज नो। तो थ्री का आंसर हो गया डी। इन केस ऑफ जीटीए सर्विस टैक्स इज बी पेड अंडर फॉरवर्ड चार्ज इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%, सीम्स टू बी करेक्ट। जीएसटी इज पेबल एट द रेट 5% एंड अ फैक्ट्री रजिस्टर्ड अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट, ये तो आरसीएम में जाता है। एन अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल एंड कस्टमर इज रेसिपियंट ऑफ जीटीए, ये तो एग्जेम्पशन में जाता है। रजिस्टर्ड कैजुअल टैक्स पेयर इज द रेसिपियंट, ये भी आरसीएम में जाता है। तो आंसर इज ओनली ए, फोर्थ आंसर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन लेवी अंडर सबसेक्शन 1 एंड 2। Which of the following person is not eligible for composition levy under subsection 1 and 2 of the CGST Act, even though their aggregate turnover does not exceed 1.5 CR in the preceding financial year in Uttar Pradesh? Chalo, theek hai. A person supplying restaurant service, ye to 1 mein eligible hai. A person supplying restaurant service and earning bank interest, ye bhi eligible hai. अ पर्सन ट्रेडिंग इन आइसक्रीम, ये भी एलिजिबल है। अ पर्सन सप्लाइंग सर्विस ऑफ रिपेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम, ये भैया 1.5 करोड़ वाला एलिजिबल नहीं है। तो आंसर इज डी, 5 का आंसर हो गया डी। ठीक है, सिक्स नंबर है, द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इज, आई रिपीट, सब सही जा रहा है। हाँ चलो, द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इज, डेट ऑन विच पेमेंट इज मेड टू द सप्लायर, ना ना ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, ये भी एक पॉइंट है। डेट ऑफ इनवॉइस, ये भी एक पॉइंट है। डेट ऑफ ए एंड बी, अर्लियर ऑफ ए एंड बी। तो आंसर इज डी, डेट ऑफ इनवॉइस तो पॉइंट ही नहीं था। Which of the, तो सिक्स का हो गया डी। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस डज नॉट फॉल अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एज कंटेंट अंडर 9(3) ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। सर्विस सप्लाइड बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टू बिजनेस एंटिटी,
Which of the following service does not fall under the reverse charge provision as contained in 9(3)? Service supplied by arbitral tribunal to business entity, yes. Sponsorship service to the any partnership firm, yes. Sponsorship provided to any body to operate, yes. Service of renting of motor vehicle for passenger provided to recipient other than body to operate. ये बॉडी तो ऑपरेट होता तो ये भी आरसीएम में जाता, अदर देन बॉडी तो ऑपरेट है इसलिए आरसीएम में नहीं है। आंसर इज 7D। अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इज सब्जेक्ट टू स्टेट एक्साइज, यस। वेल वैट, यस। बोथ ए एंड बी, यस। जीएसटी, नो। एंड आंसर इज सी, बोथ ए एंड बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज गुड्स, तो 10 पैसा कॉइन हैव इन सेल वैल्यू 100, यस। शेयर ऑफ अनलिस्टेड कंपनी, नो। लॉटरी टिकट, यस। तो आंसर हो गया 1 और 3। क्या पूछा जाए, गुड्स नहीं माना जाएगा तो भैया 2, 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
वर्ड्स, तो आंसर इज ओनली टू, तो नाइन्थ आंसर हो गया बी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलिजिबल फॉर ऑप्टेन कंपोजिशन स्कीम, नाइन टेन वन में भी नहीं और टेन टू में भी नहीं. मेसर्स एबीसी अ फर्म सेलिंग गारमेंट इन अहमदाबाद हैव बीन एनुअल टर्नओवर ऑफ 78 लाख, एलिजिबल. अ स्टार्टअप कंपनी ऑपरेटिंग रेस्टोरेंट इन दिल्ली, टर्नओवर 98 लाख, एलिजिबल. अ कुरियर कंपनी ऑपरेटिंग सोनली इन द मुंबई, टर्नओवर 90 लाख, नॉट एलिजिबल. अ ट्रेडर सेलिंग ग्रॉसरी आइटम इन उड़ीसा हैव बीन एनुअल टर्नओवर 95 लाख, तो आंसर हो गया सी. 10 का आंसर सी. आई होप सब राइट जा रहा आपका. बहुत आसान था यार ये तो. सी एंड कंपनी रजिस्टर्ड सप्लायर इन दिल्ली ऑप्टेड फॉर कंपोजिशन लेवी अंडर सबसेक्शन 1 and 2 ऑफ द सेक्शन 10. इट सोल्ड गुड्स इन द फोर्थ क्वार्टर ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर ऑफ रुपीज 15 लाख एक्सक्लूडिंग जीएसटी. द एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी रेट ऑन दीज गुड्स इज 12%. सी एंड कंपनी परचेज गुड्स फ्रॉम रमेश एंड कंपनी रजिस्टर्ड इन दिल्ली फॉर 9,55,000 ऑन विच रमेश एंड कंपनी हैड चार्ज सी जी एस टी 57,300 एंड एस जी एस टी 57,300. सी एंड कंपनी हैड ऑल्सो परचेज गुड्स फ्रॉम ई एंड कंपनी रजिस्टर्ड इन हरियाणा फॉर 2,46,000 ऑन विच ई एंड कंपनी हैड चार्ज आई जी एस टी 29,520. जी एस टी लाइबिलिटी ऑफ सी एंड कंपनी फॉर द फोर्थ क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इज. क्या नचा यार ये, मतलब कोई काम की बात नहीं है. ये वो कंपोजिशन स्कीम में है और उसका फोर्थ क्वार्टर का टर्नओवर यदि 15 लाख है तो 15 लाख पे 1% 15,000 जीएसटी देना है, 7,500 सीजीएसटी, 7,500 एसजीएसटी. ए ट्वेल्व में आते हैं. ये सब एग्जाम्स के सम्स है, इसमें मेरा कोई बायसनेस नहीं है. तो आपने देखा ये लोग आपका टाइम किलर बनाते हैं, टाइम किलर. लंबा सम्स दे दिए तो बात ना बेबात, पढ़ने में टाइम जा रही है. एक्सेस जबकि ये सब छोटे आजकल इससे भी अच्छे आएंगे, अब और इससे अच्छे आएंगे. एक्सेस आर रजिस्टर्ड इन दिल्ली परचेज बुक्स फ्रॉम पीसी ट्रेडर रजिस्टर्ड इन यूपी. Boots are exempt from GST. HS arrange the transport of these goods from a GTA, which charge a freight of 9,000 for the same. GST is payable at the rate 5% on such GTA. Which of the following statement is correct? पहले बताओ GTA किसने हायर किया? HS arrange the transport of these goods from a GTA. इसी ने परचेज किया था. Recipient ने हायर किया था. ठीक है. GST of rupees 450 is payable by HS on reverse charge mechanism. ठीक है. Supply of goods and supply of GTA service is a composite supply and wherein supply of goods is the principal and the same principal supply is an exempt. Therefore, no tax is payable on freight. Seems to be good. Since exempt goods are being transported, service provided by GTA for transporting the goods is also exempt. Bakwas. GST of rupees 450 is payable by the GTA. एंड आंसर इज जीटीए तभी जीएसटी देता है जब रेट जीएसटी का 12% हो जाए. ठीक है. और कुछ है ही नहीं, मतलब आंसर एब्सोल्यूटली ए है.
भारत आंसर ए है, किसी के मन में डाउट है तो पूछते जाना। हाँ, द पर्सन विद इन इंटर स्टेट सप्लाई फ्रॉम मध्य प्रदेश इज कंपल्सरली रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्टर्ड इन द जीएसटी। द पर्सन विद इन इंटर स्टेट सप्लाई फ्रॉम मध्य प्रदेश इन कंपल्सरी टू गेट रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी इफ इज ऑल इंडिया बेस्ड टर्न ओवर इज 20 लाख, इफ इज ऑल इंडिया बेस्ड टर्न ओवर एच सी 10 लाख, इरेस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ एग्रीगेट टर्न ओवर। इन केस ऑफ मेकिंग इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स इरेस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ एग्रीगेट टर्न ओवर इन द फाइनेंशियल ईयर, तो सीम्स टू बी डी, मतलब सी और डी एच जैसा लग रहा था। यदि पूरा नहीं पढ़ता ना तो फंस जाते, एंड आंसर इज डी। ठीक है, मैंने ऐसा कभी नहीं बोला। मेन सप्लाई एग्जेम्प्ट है तो उसकी सारी सप्लाई एग्जेम्प्ट है। यदि कोई कंपोजिट सप्लाई है और कंपोजिट सप्लाई में मेन सप्लाई एग्जेम्प्ट है तो साथ वाली सप्लाई भी एग्जेम्प्ट हो जाएगी, प्रोवाइडेड वो कंपोजिट सप्लाई हो। एग्जैक्टली वो कंपोजिट सप्लाई है, वो कंपोजिट सप्लाई है। खैर वो यहाँ पे बैठ ही नहीं रहा। मिस्टर एच अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई ऑफ नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। मिस्टर एच इज नॉट रिक्वायर्ड टू टेक रजिस्ट्रेशन। भाई साहब आप जब हैंडीक्राफ्ट का ट्रांजेक्शन नहीं करते तो रजिस्ट्रेशन तो लेना पड़ेगा। मिस्टर एच इज रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी इफ द एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख, बकवास। Mr. H is required to get registration 40 lakh, bakwas. Mr. H has to take compulsory registration under GST, irrespective of threshold sale. तो जितने भी casual taxpayer हैं उनके लिए registration mandatory है, irrespective of turnover. The registration certificate granted to non-resident taxable person is valid for from the effective date of registration or period specified in registration application, whichever is earlier. एनआरटीपी, एनआरटीपी का तो भैया 90 दिन के लिए वैलिड है। 16 नंबर, हाउ द एग्रीगेट टर्नओवर इज कैलकुलेटेड फॉर डिटरमाइनिंग थ्रेशोल्ड लिमिट। एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाई एक्सक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ इनवर्स सप्लाई इन विच आरसीएम इज एप्लीकेबल। एग्जेम्प्ट सप्लाई एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इंटरेस्टेड सप्लायर पर्सन हैव बीन सेम पैन कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस, ये तो राइट लग रहा भैया। एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाई एक्सक्लूडिंग the value of inward supply on which tax is payable under RCM, exempt supply, export of goods or services, and interstate supply of a person's computed for such state separately. Aggregate value of all taxable intra-state supply, export of goods, toh aise hi rahta hai, intra supply kyun bol diya? Aggregate value of all taxable supplies, excluding the value of inward supplies on which RCM is applicable. Exempted supply, export of goods or services, and interstate supply of a person having the same PAN computing on all India basis, and excluding tax if any. Kya yaar, yadi pura nahi padte to shayad A mein answer lete aa jata main to. And answer is D. With how many days a person should apply for registration? 30 डेज फ्रॉम डेट ही बिकम्स लायबल टू बी रजिस्टर्ड। ऐसा समझते हो जितना शॉर्ट ड्यूरेशन, ये नहीं बनता, ये एट ए ग्लांस 30 सेकंड में हो जाता है, ऐसा नहीं बनता। अब जो पूरा पढ़वाता है, लेकिन जो भी है ये अभी इन दिनों में ही आए हुए हैं। कालेमैन एसोसिएट्स मेड एन एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन इन द मंथ ऑफ मार्च ड्यू टू क्लोजर ऑफ हिज बिजनेस। इट्स एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन वॉज अप्रूव्ड ऑन 14 सेप्टेम्बर। In the given case, Kalimann Associate is required to file final return on or before 30th December, 90 days, 3 months, not required to file final return, required to file final return on or before 3 months, 14 December, required to file final return on or before 14 December, अरे जालिम, ये क्या कहाँ मार दिया यार, हाँ मार दिया। आंसर तो दे 30 दिसंबर ही है, फिर भी देखना पड़ेगा। रिक्वायर्ड टू फाइल फाइनल रिटर्न ऑन और बिफोर 13 दिसंबर,
अरे फालतू यार, एक दिन के लिए जान मार दिया यार। थ्री मंथ है, 90 डेज वाला होता तब तो सीधा 13 दिसंबर पे आरएसएस ही देता। वॉज अप्रूव्ड ऑन 14 सितंबर, तो 14 सितंबर से 3 महीना। भैया मेरा आंसर तो 14 दिसंबर जा रहा है, 3 महीना है, 90 दिन नहीं है, यही वो लोग पूछना चाह रहे हैं वहां पे। तो जिस बच्चे के दिमाग में 90 दिन रहेगा वो 13 सितंबर लिख के आ, 13 दिसंबर लिख के आ जाएगा। लेकिन फाइनल रिटर्न की टाइम लिमिट 3 महीने नहीं है, सॉरी 90 दिन नहीं है, 3 महीने है। और 3 महीने यदि आपको 14 सितंबर का आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है तो वहां से 3 महीने 14 दिसंबर ही आता है। हाँ तो फाइनली 14 दिसंबर ये बात। दोस्त ये तो कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन है ना, ये तो रिटर्न में नहीं ना, रिटर्न में भी हो सकता है। नहीं नहीं मैं तो सबूत वबूत की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं तो हाली फाइनल रिटर्न में बच्चों को बात क्लियर करना है कि 90 डेज है, 3 मंथ्स है, मुझे भी पता है, कोई डाउट नहीं है समझे। ये बात क्या होता है, नजर से देख लेते हैं ना बच्चे। और एक बार देख लेते हैं, इफ अ रजिस्टर्ड पर्सन रजिस्ट्रेशन देन ही शैल फर्निश अ फाइनल रिटर्न इन फॉर्म जीएसटी 10 विद इन 3 मंथ्स ऑफ द डेट ऑफ कैंसिलेशन और डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑर्डर विच एवरेज अर्लियर। तो डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑर्डर से 3 महीने के अंदर आपको अपना फाइनल रिटर्न भरना है, तो ये 14 दिसंबर आंसर जा रहा है। ठीक है आगे बढ़ जाए, तो मेरा आंसर है इसमें 14 दिसंबर, लेकिन ये बच्चों पे जाती है, जाती है, कुंडे है ये। XY Zylo कंपनी हैज 3 ब्रांचेज इन जलंधर, अमृतसर, लुधियाना। इन द स्टेट ऑफ पंजाब, अमृतसर, लुधियाना ब्रांचेज आर इंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ गारमेंट एंड जलंधर ब्रांच इंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ शू। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर एलिजिबल, are legally available for registration? Zylo and company can obtain single registration for Punjab, declaring any one of the branches as principal place of business and other 2 branches as additional place of business. So Jalandhar, Amritsar, Ludhiana. Zylo and company can operate separate registration. Zylo and company can obtain 1 GST registration for shoe business and another GST registration for garment business. So bhaiya, ये ऑप्शंस क्या दिया, 2 सेपरेट रजिस्ट्रेशन नहीं भैया, इधर 1, 2, 3 नहीं, ये तो नहीं, इधर 1 और 2 मतलब एनी वन ऑफ द ब्रांच एज प्रिंसिपल प्लेस, तो 1 तो है ही, 1 तो हर में कॉमन है। 2 में क्या, कैन ऑप्टेन सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर ईच ऑफ द 3 ब्रांचेज, ये भी है ही, 2 भी है ही। Zylo कंपनी कैन ऑप्टेन 1 GST रजिस्ट्रेशन फॉर शू बिजनेस, 1, 2, 3 सीम्स टू बी 1, 2, 3 और 1 और 2 तो दता नहीं है, 2 और 3 तो दता नहीं है। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो पंजाब का जो सप्लायर है वो अपनी 3 ब्रांचेस का एक सिंगल रजिस्ट्रेशन भी ले सकता है, हाँ, और चाहे तो सेपरेट रजिस्ट्रेशन भी ले सकता है, और 2 कपड़े का 1 और उसका 1 ऐसे भी ले सकता है, तो तीनों ही चॉइस उसके पास है। तो आंसर इज बी, नाइसली डिजाइंड, 90 नंबर का आंसर हो गया बी। 20, what is the validity of 1 registration certificate? Wow, 1 ka 1 rupiah. Validity till it is cancelled. 21,
विद इन हाउ मेनी डेज एन एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन कैन बी मेड. तो भैया 30 डेज. रमा लिमिटेड हैज प्रोवाइडेड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ सितंबर. इंट्रा स्टेट आउटवर्ड सप्लाई 8 लाख, इंटर स्टेट एग्जेम्प्टेड आउटवर्ड सप्लाई 5 लाख, टर्नओवर ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स 10 लाख, पेमेंट मेड फॉर अविल इन जीटीए सर्विस 80,000. कैलकुलेट द एग्रीगेट टर्नओवर. तो भैया 8, 5, 13, 10, 23 लाख. सी 23rd में आ गया. पी लिमिटेड हैज इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस अंडर कंपनीज एक्ट इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र फ्रॉम वेयर इट ऑर्डिनरली कैरीज ऑन इट्स बिजनेस ऑफ टैक्सेबल गुड्स. इट ऑल्सो हैज अ वेयर हाउस इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना फॉर स्टोरिंग सेड गुड्स. वॉट विल बी द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ पी लिमिटेड? तेलंगाना, महाराष्ट्र, बोथ ए एंड बी. यस. सी 23rd का आंसर भी हो गया सी. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? साथ में हो. रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी शैल बी डीम्ड टू बी रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन अंडर एसजीएसटी. ट्रू. कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर सीजीएसटी एसजीएसटी शैल डीम्ड टू बी कैंसिलेशन अंडर. ट्रू. Revocation of cancellation of registration under CGST shall not be deemed to be revocation of cancellation of registration. False. Cancellation of registration under CGST shall not be deemed. False. So, bhaiya answer ho gaya 1 and 2. 1 and 2. 1 and 2. 1 and 2. Time ke liye kuch sense nahi tha. Batwas. Khali time barbaad karne ke liye de diya. साली उससे नहीं होगा जो पढ़ाई नहीं है चैप्टर, अदरवाइज हो ही जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन कंपलसरी रजिस्ट्रेशन? अभी बता देते हैं. पर्सन एक्सक्लूडिंग एक्सक्लूसिवली इंगेज्ड इन मेकिंग इंट्रा स्टेट सप्लाई टैक्स ऑन विच इज टू बी पेड बाय द रेसिपिएंट ऑन आरसीएम. पर्सन एक्सक्लूसिवली इंगेज्ड इन मेकिंग इंट्रा स्टेट सप्लाई. क्या वर्ड है? विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज रिक्वायर्ड टू टेक कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन? अच्छा, आप वो सप्लाई करो जिस पर आरसीएम जीएसटी देगा, मतलब रेसिपिएंट जीएसटी देगा, तो मेरे को रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए. पर्सन मेकिंग इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विस अप टू ₹20 लाख. नो, क्योंकि ये सर्विस है. पर्सन मेकिंग सप्लाईज ऑफ सर्विस थ्रू इको other than supplies specified in the section 95 with aggregate turnover up to 20 lakh. Person who made taxable supply of goods or services both on behalf of other taxable person whether as agent or otherwise. C or D mein answers hai. सी और डी में आंसर सर. ए तो नहीं है. एजेंट, एजेंट को रजिस्ट्रेशन कर. पर्सन हु मेड्स टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ ऑन बिहाफ ऑफ एजेंट को तो रजिस्ट्रेशन चाहिए ना. एजेंट को तो रजिस्ट्रेशन चाहिए. आंसर इज मेरे हिसाब से डी. पर्सन्स मेकिंग सप्लाई ऑफ सर्विस थ्रू एन इको अदर देन सप्लाई स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 95 ऑफ सीजीएसटी. इको यदि टीसीएस कलेक्ट कर रहा है तो तथ्य. ठीक है ना डिस्कशन. हमारे कुछ बच्चे इस टॉपिक को पर्सनली देखना चाहते हैं, उन्हें पर्सनली दिखा देते हैं.
इंटरस्टेट कैजुअल टैक्सेबल पर्सन आरसीएम एग्रीगेटर एनआरटीपी टीडीएस देख लेते ना भाई साहब। पर्सन हु सप्लाई गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ अदर देन सप्लाई स्पेसिफाइड इन सेक्शन 95 थ्रू सच इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स। तो ये पॉइंट है, मतलब ये पॉइंट यहां तक तो वैलिड है, उसके बाद ये लाइन वहां पे मिसिंग था, इसलिए दिमाग में था कि टीसीएस जिसका करता वहां पे तो रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, ठीक है। लेकिन एजेंट वाला पॉइंट तुम देख रहा ना, एजेंट वाला पॉइंट आने दे, मैं तुझे दिखा देता हूँ एजेंट वाला पॉइंट। पर्सन हु मेक टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस ऑफ बोथ ऑन बिहाफ ऑफ अदर टैक्सेबल पर्सन वेदर एज एजेंट और अदरवाइज, ये लैंग्वेज एज इट इज छाप दिया, और इसमें क्या ना ये लैंग्वेज में ये मार दिया, कौन सा लैंग्वेज, ये हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टीसीएस वाला पॉइंट, ये लैंग्वेज हटा दिया। तो सी और डी में घनघोर कॉम्पिटिशन था, लेकिन सी में ये वर्ड मिसिंग था, हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टीसीएस, इसलिए मेरा आंसर डी में चला दे। अदर देन 95 बोला मैंने, क्या कर, नहीं तो कॉम्पिटिशन किस बात का दादा, क्लियर, मतलब सेम पॉइंट दे दिया ना, और कॉपी पेस्ट मारा है 24 से, कॉपी पेस्ट मारा, तो एजेंट वाला तो एज इट इज डाल दिया, एक मिनट दादा, एजेंट वाला तो एज इट इज डाल दिया, लेकिन इको वाले पॉइंट में ये हटा दिया, हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स, इसलिए सी और डी में बहुत जोर का कॉम्पिटिशन हुआ और फाइनली जीत दिया डी, बहुत लोस्ट। हम क्लोज वाले में तुमको दिखाना चाह रहा है ताकि तुम्हारे दिमाग में रिटेन वो रहे, रिटेन रहे चीजें। चलो भैया, माइंड रिलैक्सिंग 30 डेज। नॉन रेसिडेंट एज वेल इज रिक्वायर्ड, सॉरी बाय मिस्टेक, पांच दिन, सॉरी सर, वो 30 डेज रजिस्ट्रेशन देखा है, एनआरटीपी देखा है ना, हाँ, मैं समझ सकता हूँ, माइंड रिलैक्सिंग नहीं था, माइंड ज्यादा ही रिलैक्स हो गया, एनआरटीपी देखा नहीं था, रिक्वायर टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन देते विद इन 30 डेज मार दिया, तो एटलीस्ट 5 डेज प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो भैया प्लीज रेक्टिफाई करना, 26th आंसर सी होगा, हाँ 27 पर्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांटेड टू कैजुअल टैथ, मैं कोई रिलैक्स नहीं चाहता, मैं पूरा पढ़ूंगा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांटेड टू कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और एनआरटीपी विल बी वैलिड फॉर, अर्लियर ऑफ ए ऑफ बी 27 का सी, मिस्टर राम इज अ ज्वेलर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द मुंबई, वॉन्ट्स टू सेल हिज ज्वेलरी इन द ट्रेड एक्सपोर्ट हेल्ड इन दिल्ली, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, यू नीड टू गेट रजिस्ट्रेशन दिल्ली एज कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, सही है, ही नीड टू पे, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, ही नीड टू पे एडवांस टैक्स ऑन एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी, सही है, ही नीड टू मैंडेटरी हैव अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन दिल्ली, ही नीड टू मैंडेटरी हैव अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन दिल्ली, ये फॉल्स है, ही नीड टू फाइल जीएसटी ऑन जीएसटी, 28 का सी ये राइट आंसर हो गया, क्योंकि कैजुअल टैक्स पेयर वाला रजिस्ट्रेशन ले सकता है, दिल्ली में कोई परमानेंट प्लेस बिजनेस होना जरूरी नहीं है। प्रेम एंड सन्स हैड टेकन जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑन 1st January बट फेल्ड टू फर्निश जीएसटी रिटर्न फॉर नेक्स्ट 6 मंथ, ओन टू दिस द प्रॉपर ऑफिसर कैंसल्ड इट्स रजिस्ट्रेशन ऑन 25 July एंड सर्व द ऑर्डर फॉर कैंसिलेशन ऑन 31st July। Now the Prem and Sons wants to revoke the cancellation of registration. Prem and Sons can file an application for revocation on or before. तो भैया 30 दिन है टाइम लिमिट, और जिस दिन आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन ऑर्डर पास हुआ 31st July से 30 डेज 30 अगस्त। आंसर हो गया ए, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस आर एग्जेम्प्ट अंडर जीएसटी, टेस्टिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस,
exempt supply of farm labor exempt warehousing of agricultural produce and answer is 1 2 3 D. Mr. Narayan Goel has booked a room or rent in Sunshine Hotel for the purpose of lodging on 10th August. GST is not payable by Mr. Narayan Goel in the case value of supply of the same is सिर्फ ए. ये पॉइंट ये क्वेश्चन ही पुराना हो गया अब तो सब पे लगेगा सब पे लगेगा हाँ ठीक है. सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी बाय रोड ना इनलैंड वाटरवेज यस गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी ना कुरियर एजेंसी ना इनलैंड वाटरवेज टू 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 सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्ट आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी रोड में जीटीए से टैक्सेबल है कुरियर से टैक्सेबल है तो ठीक है इनलाइन वॉट एवर एग्जेम्प्ट है चल वन तो नहीं होगा. अरे बाबा तुम ए की बात कर रहे थे वन की बात कर रहे वेट वेट हाँ तो सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी रोड इनलैंड वाटरवे देखो डी तो आंसर एकदम बकवास है कोई सेंस ही नहीं है. रोड एक्सेप्ट जीटीए एंड कुरियर एजेंसी एंड टू आंसर डी टू इज एग्जेम्प्ट इनलैंड वाटरवेज तो टू इज एग्जेम्प्ट और रोड से जाएगा जीटीए कुरियर को छोड़ के एग्जैक्ट लैंग्वेज तो डाल दिया तो भैया बेस्ट आंसर इज डी. हाँ ये राइट होना डिफिकल्ट था लैंग्वेज बड़ा क्लिष्ट था भाई चीज आसान थी लैंग्वेज घुमाती थी. आज बात करें ट्रांसपोर्टेशन बाय रेल फ्रॉम चेन्नई टू गुजरात आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी पल्सेज मिलिट्री इक्विपमेंट इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जैगरी तो भैया मेरे हिसाब से आंसर आ रहा है इसका ए में दिया हुआ वन एंड टू बी में है वन एंड थ्री नहीं नहीं वन एंड थ्री तो रॉन्ग आंसर है थ्री तो टैक्सेबल ही टू एंड फोर मिलिट्री इक्विपमेंट एंड जैगरी एंड आंसर इज पल्सेज एंड इलेक्ट्रॉनिक पल्सेज एंड मिलिट्री वन एंड टू काम मालूम क्या आया काम आया वो भाषा दाल रोटी चावल दूध नमक दाल रोटी चावल दूध नमक तो दाल एग्जेम्प्टेड है और मिलिट्री इक्विपमेंट एग्जेम्प्टेड है तो फाइनली सर आंसर क्या हुआ ये तो बताइए ये सब मिला हुआ है अच्छा तो ठीक है आंसर हो गया वन एंड टू ए. 34 में जा रहे सर्विस बाय वे ऑफ वेयरहाउसिंग अरे दाल रोटी दूध चावल के बाद क्या बचता है सर्विस बाय वे ऑफ वेयरहाउसिंग ऑफ इज एग्जेम्प्ट टी की वेयरहाउसिंग जैदरी की वेयरहाउसिंग बेटर लीव्स की वेयरहाउसिंग या प्रोसेस कैश्यू न्यू नट की वेयरहाउसिंग तो इसमें ऑप्शंस देखे क्या क्या है इज एग्जेम्प्ट कौन सा एग्जेम्प्ट है तो भैया देखो सी तो एग्जेम्प्ट नहीं है ये तो नहीं है ये तो बकवास है ये सी तो रॉन्ग आंसर है वन एंड फोर नहीं ये तो रॉन्ग आंसर है वन टू थ्री एंड फोर नहीं ये तो रॉन्ग आंसर है तो टी जैगरी बेटल लीव्स इन सबका आंसर इज डी प्रोसेस है ना प्रोसेस कर दिया ना आपने उसने
क्वेश्चन नंबर 34 के बाद 35, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज आर नॉट एग्जम्प्ट? योगा कैंप कंडक्टेड बाय चैरिटेबल ट्रस्ट एग्जम्प्ट? सर्विस प्रोवाइडेड बाय बिजनेस रेस्पॉन्डेंट टू रूरल ब्रांच ऑफ बैंक विद रिस्पेक्ट टू सेविंग बैंक अकाउंट एग्जम्प्ट? सर्विस प्रोवाइडेड बाय कॉर्ड ब्लड बैंक एग्जम्प्ट? सर्विस प्रोवाइडेड बाय कमेंटेटर टू रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी? सिद्धू को देखते तो मैं एग्जम्प्शन हटा देता हूं, पसंद ही नहीं आदमी। नंबर 36, एन एग्जम्प्ट सप्लाई इंक्लूड्स सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ विच अट्रैक्ट्स नील रेट ऑफ टैक्स, ट्रू? नॉन टैक्सेबल सप्लाई, टू? सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ विच आर, तो भैया 1, 2 एंड 3 ये ऐसे आओ ना भैया, हम लोग फटाफट कर देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस आर एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी? सर्विस बाय एन आर्टिस्ट बाय वे ऑफ परफॉर्मेंस इन क्लासिकल आर्ट फॉर्म ऑफ पेंटिंग स्कल्पचर मेथिन एक्सेट्रा विथ कंसिडरेशन देयर ऑफ नॉट एक्सीडिंग 1.5 लाख, जियो। सर्विसेज बाय एन आर्टिस्ट बाय वे ऑफ परफॉर्मेंस इन द मॉडर्न आर्ट फॉर्म ऑफ म्यूजिक डांस थिएटर कंसिडरेशन डज नॉट एक्सीड 1.5 लाख, देयर ऑफ नॉट एक्सीडिंग। सर्विसेज बाय एन आर्टिस्ट बाय वे ऑफ परफॉर्मेंस इन फोक और क्लासिकल आर्ट फॉर्म ऑफ म्यूजिक डांस थिएटर विथ कंसिडरेशन एक्सीडिंग 1 पॉइंट, मतलब चौथा भी पढ़वाई रही है, मानेगा नहीं। सर्विस बाय एन आर्टिस्ट बाय वे ऑफ परफॉर्मेंस इन फोक और क्लासिकल आर्ट फॉर्म ऑफ म्यूजिक डांस थिएटर विथ कंसिडरेशन देयर ऑफ नॉट एक्सीडिंग 1 पॉइंट, मतलब एब्सोल्यूट आंसर है, टाइम खाया। हाँ सर्विस बाय वे ऑफ एडमिशन टू म्यूजियम नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व रिकॉग्नाइज नॉट एग्जम्प्ट, तो भैया ये नॉट एग्जम्प्ट, ये नॉट एग्जम्प्ट, बात ये तो एग्जम्प्ट है ही। वेयर हाउसिंग इज एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, राइस का एग्जम्प्ट, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एग्जम्प्ट, जैगरी एग्जम्प्ट, कॉफी एग्जम्प्ट, भैया 39 का आंसर हो गया ए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस आर एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी? विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस आर एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी? पूछो पूछो। एडमिशन टू अ सरप्लस एंट्री टी दैट कॉस्ट 550 सरप्लस टैक्सेबल। इंटरेस्ट चार्ज एन आउटस्टैंडिंग क्रेडिट कार्ड बैलेंस टैक्सेबल। सर्विस बाय एन ऑर्गेनाइजर टू एनी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस एग्जीबिशन हेल्ड इन इंडिया टैक्सेबल टैक्सेबल। सर्विस बाय फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन लोकेटेड इन इंडिया आंसर डी, तो भैया जी आंसर हो गया 40 का डी, तो एग्जम्प्ट हो जाता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रीटेड एज एग्जम्प्टेड सप्लाई? सेल ऑफ लीटर एग्जम्प्टेड सप्लाई, सप्लाई ऑफ हेल्थ केयर सर्विस एग्जम्प्टेड सप्लाई, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन यूटिलिटी एग्जम्प्टेड सप्लाई, तो आंसर इज 1, 2 एंड 3, इसमें नहीं आता। तुमको तुम्हारे सर ने एग्जम्प्टेड सप्लाई की डेफिनेशन सिखाई है, उसमें बोला हुआ एग्जम्प्टेड सप्लाई इंक्लूड्स नॉन टैक्सेबल सप्लाई, और नॉन टैक्सेबल सप्लाई में दारू पीसीडीएनए और शेड्यूल 3 है, इसलिए 1, 2, 3 इज द राइट आंसर है ना। हाँ विच ऑफ द कौन सा अच्छा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन फॉर द पर्पस ऑफ एग्जम्पशन फॉर हेल्थ केयर सर्विस? एलोपैथिक यस, यूनानी यस, सिद्धा यस। Which of the following service is exempt under healthcare service provided by the clinical establishment, chemist shop in the hospital selling medicines to public at large? Taxable. हो गया, पहले ही taxable हो गया। Food supplied from an outsourced canteen to inpatient as per diet prescribed by the hospital dietitian. भैया ये तो exempt है। Food supplied from an outdoor canteen in hospital to the visitors, ये तो taxable है। Advertisement service provided by the hospital to a pharmaceutical company. आपने क्या पूछा था? विच इज एग्जम्प्ट, तो भैया ये एग्जम्प्ट। मैं फिर से बोलूं, एबीसीडी चारों पढ़ लेना,
लेकिन स्पीड पढ़नी थी तेज करो। इनपुट क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ इनपुट क्रेडिट इज, ये होता ना कि ये देते हटा दो, ये देते हटा दो, वो पूरा सम पढ़ने के बाद, लेकिन सम पढ़ने का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, वहां पे शॉर्टकट नहीं है। अब लास्ट में फंस गया तो आदमी वही करेगा जो कर रहा है, वो अलग बात है, लेकिन सम पूरा पढ़ना चाहिए। इनपुट टैक्स क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज ऑन विच टैक्स हैज बीन पेड अंडर कंपोजिशन लेवी, हाँ, फ्री सैंपल यस, गुड्स यूज फॉर पर्सनल कंजम्पशन यस, ये बकवास। कंपोजिशन लेवी में आईटीसी मिलता है, वही है। कंपोजिट सप्लाई अलग चीज होता है, कंपोजिट लेवी अलग चीज होता है। खुश है अपने दोस्तों से ही खुश है, मेक इट क्लियर, दे दे दम बढ़िया से जवाब दे, दम तोड़ के जवाब दे। कंपोजिशन लेवी कंपोजिशन स्कीम सेम चीज है, दोनों सेक्शन 10 में आता है। सच्ची, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन रेसिपिएंट नीड टू ऐड द इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड बाय हिम टू हिज आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। ओहो, तो यदि 180 डेज में नहीं देता है तो आउटपुट is 180 days. If payment for supply and the forward charge is not paid to the supplier within 180 days from the date of invoice. हाँ, क्वेश्चन नंबर भैया देख लो ना, 45 का सी है, 45 का सी है, ध्यान दे रहे हो। If the goods are received in lots or installment, तो ITC can be availed on the last installment. भैया B. For banking companies using input and input service partly for taxable supply and partly for exempted, which of the statement is true? तो A और B दो ऑप्शन है, banking company can choose to exercise either A or A। भैया देखो शॉर्टकट मारा मैंने, ये मैंने शॉर्टकट मारा। A supplier takes deductions of depreciation on the GST component for the cost of capital goods, तो भैया ITC नहीं मिलेगा। ITC of motor vehicle used for making is allowed, transport of goods, yes, transport, yes, yes, 1, 2, and 3. Mr. A has a tax invoice of services received by him, its input tax credit is lost, if ITC is not availed, on or before, 21, 21, 31st December 29, 21, 22, दम नहीं, डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न, तो पुराने लॉ के अनुसार यह आंसर राइट है। भैया 50 सम कर दिए हमने, लेट्स सी हमने कितना समय ले लिया, तो अभी तक हमने 50 सम कर लिए है और अभी तक हमने समय लिया 43 मिनट्स, बहुत अच्छा है नहीं, मतलब इस हिसाब से तुम पौने दो घंटे में हम कर देंगे इस हिसाब से तुम। अच्छा बड़ा सम लास्ट में आ रहा है, ठीक है ठीक है, खुश होने में क्या अर्ज है, एक ब्रेक बनता है भैया, हम ब्रेक ले रहे हैं और क्या, बैकबोन सीधा करना पड़ता है। आओ क्वेश्चन नंबर 51, इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल नॉट बी अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स यूज फॉर पर्सनल कंजम्पशन, नहीं मिलेगा, सही बोल रहे हो आप। मेंबरशिप ऑफ अ क्लब प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर इंटरनल पॉलिसी, बकवास, नहीं मिलेगा। ट्रैवल बेनिफिट एक्सटेंडेड टू एम्प्लॉई ऑन वेकेशन ऑफ सेशन एज पर कंपनीज इंटरनल पॉलिसी, नहीं मिलेगा। तो भैया 1, 2, and 3 तीनों का नहीं मिलेगा। 51 का आंसर हो गया डी, मिस्टर रघु अवेल सर्विस ऑफ मिस्टर राजा चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट, मिलेगा। टैक्स ऑडिट एंड एनुअल फाइनल गुड, इनकम टैक्स रिटर्न गुड, फाइनल ऑफ मिस्टर रघुज वाइफ, ऑल दी अबव अमाउंट्स आर एक्सक्लूडिंग टैक्स एंड एप्लीकेबल ऑफ रेट ऑफ जीएसटी 18%। तो भैया इस 55 लाख पे 18% होता है 9,900 और 10,000 पे होता है 18, तो 11,700। The accountant of Mr. Radhu has put in the entire expenses of 70,000 plus GST in the books of account. Mr. Radhu is eligible to take the input tax credit.
प्लस जीएसटी इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। हाँ ठीक है, हाँ तो पूरे का मिल जाता। वो रघु की वाइफ थी इसलिए डिनाई हो गया। आंसर 11,700 53। मेसर्स विट्टल एंड कंपनी रजिस्टर्ड सप्लायर अंडर जीएसटी डीलिंग इन सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स इन द स्टेट ऑफ कर्नाटक। द फर्म ऑप्टेड फॉर कंपोजिशन स्कीम सिंस अप्रैल। इट्स टर्नओवर क्रॉस 1.5 crore ऑन 9th में एंड हैज ऑप्टेड फॉर, मतलब इतना जल्दी 1 अप्रैल को रजिस्ट्रेशन कराया, 9 में तो 1.5 crore एंड हैज ऑप्टेड फॉर विड्रॉवल ऑफ कंपोजिशन स्कीम ऑन द सेड डेट। विट्टल एंड कंपनी सेंड गुड्स ऑन 10th जून टू सूरी एंड कंपनी ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। सूरी एंड कंपनी एक्सेप्टेड द गुड्स। Why did its confirmation mail dated 15 December? ठीक है, 10 जून को माल भेजा था, 15 दिसंबर को उसने क्या किया, एक्सेप्टेड। भैया तो 180 डेज वाला आएगा यहाँ पे, तो 6 महीना आएगा यहाँ पे। द फर्म हैज पेड जीएसटी फॉर वेरियस आइटम ड्यूरिंग द मंथ ऑफ ऑगस्ट। इट कंप्राइज द फॉलोइंग। जीएसटी पेड ऑन इनपुट सर्विस इंटेंडेड टू बी यूज फॉर पर्सनल पर्पज, भूल जा। जीएसटी ऑन परचेज ऑफ मोटर व्हीकल फॉर बिजनेस यूज, बीइंग अ टू व्हीलर हैविंग इंजन कैपेसिटी ऑफ 25 cc। इतना गंदा है, इनको बोलो तुम्हारे इंस्टीट्यूट के मैट में है मोटर बाइक का डेफिनेशन। अरे वो तो मैंने जबरदस्ती किसी दूसरे लॉ में घुसते निकाल के डाल दिया, इनके मैट में है वो, नहीं तो जुल्म है ना यार। बच्चे को मोटर बाइक की डेफिनेशन कहां से याद आएगी? तो जीएसटी पेड ऑन परचेज ऑफ मोटर व्हीकल फॉर बीइंग यूज्ड, बीइंग अ टू व्हीलर हैविंग इंजन कैपेसिटी ऑफ 25 cc। तो मुझे बताओ उसको क्या बोलेंगे, टू व्हीलर बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? मतलब ITC मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। जीएसटी पेड ऑन परचेज ऑफ कंप्यूटर, तो भैया इसका तो मिल ही जाएगा। एंड जीएसटी पोर्शन वॉज इंक्लूडेड एज पार्ट ऑफ कॉस्ट टू क्लेम डेप्रिसिएशन, नहीं मिलेगा। जीएसटी पोर्शन वॉज इंक्लूडेड एज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट टू क्लेम कंप्यूटर, नहीं मिलेगा। During the May, Whittle and Company had reversed ITC of ₹10,000 for non-making payment to vendors within the time specified under CGST Act. This pending payment was cleared in the month of August. Nice. Out of the purchase made and ITC availed during the earlier month, the following information is made available. Payment is due for November, number of days 165. Whittle and Company received accounting service from Radhu and Company, an associate enterprise located in Sri Lanka. Radhu and Company issued invoice for the service on 1st September, which was entered by the Whittle and Company in its books of accounts on 10th of October, but payment was made on 13th September. All the supply referred above is interested unless specified otherwise. Conditions applicable for availment of ITC are fulfilled subject to the information given above based on the information provided. भैया पांच नंबर का समय तो इतना तो टाइम डिजर्व करता है ना, ये पांच नंबर का समय यार, ये थोड़ी है, पांच पढ़ने में इतना ही टाइम लगता है। पूछो क्या क्या पूछ रहे, बोलो हमने पढ़ लिया सब। बोल रहा है विट्टल एंड कंपनी नीड टू फर्निश ए स्टेटमेंट कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ स्टॉक ऑफ इनपुट, इनपुट हेल्ड इन फर्निश गुड्स ऑन द विड्रॉवल ऑफ कंपोजिशन स्कीम बाय। तो जब आपका कंपोजिशन स्कीम हट जाता है तो आपको एक डिटेल तो भेजनी पड़ेगी ना कि मेरा कितना स्टॉक है, वो हमें कब तक भेजना है। तो भैया क्या है, कब हमारा हुआ टर्नओवर क्रॉस 1.5 crore, तो 1.5 crore 9 मई को एक्सीड किया, तो उस दिन मेरा कितना स्टॉक है भेजना है। Whittle and Company need to furnish containing details of stock input held in furnished goods on the withdrawal. भैया 9th में या 8th में से एक आंसर होता, 8th में देता तो मैं 8th में सेलेक्ट करता, 8th में नहीं दिया हुआ तो मैं 9th में सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो आंसर इज 9th में, बोलो। नहीं नहीं उस दिन नहीं भेजना, उस दिन तक का जितना स्टॉक है उसकी डिटेल भेजनी है। Furnish a statement containing details of stock held in
फिनिश गुड्स ऑन विड्रॉवल ऑफ कंपोजिशन स्कीम बाय, तो आपका कितना कौन से दिन का स्टॉक का डिटेल मुझे भेजना है, तो आंसर इज 9th मई तो आपको डिटेल भेजना है। हाँ तभी आ जाता। इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस विट्टल एंड कंपनी शैल इशू द इनवॉइस, तो भैया देखो सेल और रिटर्न बेसिस का माल आपने भेजा था 10th जून को, तो 10th जून से 6 महीना हमारे, जून से दिसंबर 6 महीना, 10th दिसंबर। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ एलिजिबल ITC क्रेडिट दैट कैन बी अवेल्ड बाई विट्टल एंड कंपनी फॉर द मंथ ऑफ ऑगस्ट, बताते। तो भैया आपको इस 12,000 का ITC नहीं मिलेगा, परचेज ऑफ मोटर व्हीकल 9,000 का ITC मिल जाएगा, GST परचेज ऑन कंप्यूटर नहीं मिलेगा 9,000। तो आंसर इज और ये 10,000 का ITC मिल जाएगा, तो आपका आंसर मेरे हो रहा है 19,000, और 19,000 में से आपका ये ITC आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में ऐड हो जाएगा, तो ये तो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में ऐड हो जाएगा, तो मेरा आंसर हो रहा है 19,000। आप बोलो आपका आंसर क्या जा रहा है। दो GST पेड 19,000 का तो ITC मिलेगा नहीं, ये परचेज ऑफ कंप्यूटर क्योंकि इसमें आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर लियो। टू व्हीलर का आपको ITC मिल जाएगा क्योंकि क्यूबिक कैपेसिटी 25 CC तक है, पर्सनल यूज का ITC मिलेगा नहीं, तो 9,000 का ही ITC ले लो, और ये जो पुराना ITC आपने रिवर्ट किया था वापस इसको क्रेडिट ले लो, तो 10,000 ये और 9,000 ये 19,000 का आपको ITC मिल जाएगा, 10,000 ये 9,000 ये आपको ITC मिल जाएगा। टाइम ऑफ सप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विस इंपोर्टेड बाय विट्टल एंड कंपनी फ्रॉम एसोसिएट इंटरप्राइज 53.4 छूट गया क्या? कंप्यूट द ITC टू बी रिवर्ट, हाँ तो ये ITC रिवर्ट करना है ना, बताया ना 15,000, तो ये सबसे आसान था इसमें 15,000, 53.4 का सी, एंड 53.5 टाइम ऑफ सप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विस इंपोर्टेड, तो भैया एसोसिएटेड इंटरप्राइजेस से जब आप कुछ इंपोर्ट करते हो तो टाइम ऑफ सप्लाई होता है डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट व्हिच एवर इज अर्लियर, तो यहाँ पे डेट ऑफ इनवॉइस से कोई मतलब नहीं है, वॉज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन 10th अक्टूबर एंड पेमेंट वॉज मेड ऑन 30th सेप्टेम्बर व्हिच एवर इज अर्लियर, तो आंसर इज 30th सेप्टेम्बर। जितना तुम ड्रामा कर रहा था उतना तो एकदम नहीं, बहुत आसान था ये। अनुभव की कमी है, तुम्हें पता नहीं, तुम्हें पता है कि पहले बार पूरा पेपर पढ़ना, पेपर पढ़ते समय दिमाग में बैठ रहा है ये पूछेगा। आई डोंट सजेस्ट कि आप पूरा ट्यूशन पढ़े बिना इधर उधर नाचो, पढ़ने की स्पीड बढ़ाओ, लेकिन पूरा सम पढ़ना पड़ेगा, रेदर देन मेकिंग शॉर्टकट आप स्पीड बढ़ाओ पढ़ने। Messrs. Safe Bank Limited, a small finance bank, was incorporated in April this year. The bank got registration under GST immediately on its incorporation as a banking company. एक कॉफी पीने का मन हो रहा है, नहीं नहीं मेरा हाल ही एक कॉफी पीने का मन हो रहा है। Messrs. Safe Bank Limited, a small finance bank, was incorporated in April this year. The bank got registration under GST immediately on its incorporation as a banking company. Messrs. Safe Bank Limited received software support service from its head office located in United Kingdom. Pandi ji, kuch bhi pila dijiye, coffee juice kuch bhi. Wo, ha? To yahan pe the मिलते जुलते वर्ड को आजू बाजू वाले वर्ड से इंटरप्रेट करना चाहिए, कॉफी जूस कुछ भी, तो कुछ भी मैं मतलब कॉफी या जूस ऐसा ही कुछ आएगा, फिर मैंने बोल दिया। एंड इंटरप्रिटेशन, मैसेज सेफ बैंक लिमिटेड ए स्मॉल फाइनेंस बैंक वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन अप्रैल दिस ईयर, द बैंक याद पढ़ चुका हूँ यार, Messrs. Safe Bank Limited received software service from its head office located in United Kingdom. ये तो import है. No amount was charged by head office for the said service. कोई फर्क नहीं पड़ता, GST देना पड़ेगा. Value of the said service was 4,10,000. ठीक है. The Messrs. Safe Bank Limited provided one high-end laptop worth ₹50,000 to its managing director as gift. ठीक है. Exempt है. Initially, the bank opened 125 branches across India.
covering various state. In order to secure business, the bank appointed Quick Loan Providers LLP, a direct selling agent on Pan India basis. The bank was in need of service of recovery agent for various retail and personal loan granted by its branches. For this purpose, the bank appointed Fast Recovery Service Private Limited, a recovery agent on Pan India basis. Messrs. SIB Bank Limited provided the following details for the month of. Wow. Interest received on term loan, not taxable. Interest received on credit card transactions, taxable. I doubt, but taxable. Huh? Interest received on fixed deposit held with SBI, non-taxable. Commission received on letter of credit, taxable. Documentation charge, taxable. Sale of foreign exchange to authorized dealer of Bank of Rajasthan. तो bank को service दे या bank authorized money changer service तो दे exempted. भैया तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा कौन कौन सा taxable है. तो service received in terms of loan exempt. Interest received on credit card taxable. Interest received exempt. Commission taxable. Document charge taxable exempt. तो सब मिला के taxability आ रही है 6-20, 9-20 और 10-45. 1045. Messrs. SIB Bank Limited had opted for optional method under Section 17(4) of CGST for claiming input tax credit in respect of its operation for the month of May. The relevant details are as under. GST paid on eligible input service. ITC milega. Capital goods milega. GST paid on items whose credit is blocked. Nahi milega. GST paid on service detail availed within the same bank having distinct registration. इसका आई टी सी पूरा मिलेगा. ऑल द अमाउंट गिवन अबव आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस. ठीक है भैया. तो 12/6/18 का 50% कर दिया, मतलब यहाँ पे हो गया 9 लाख और 2 लाख 11 लाख. आगे बढ़ते जाए. बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन अबव चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर्स. पूछो. एक आर्ट के बारे में मैं तुम्हें डे वन से बता रहा हूँ. ठीक है. स्टूडेंट्स टीचर को कोच मानते ही नहीं है. वो कोचिंग मानेगा तब तो काम हो रहा. वो हाल ही टीचर तो टीचर मानता है, बस आप सब्जेक्ट पढ़ा दीजिए, सब्जेक्ट पढ़ा दीजिए, सब्जेक्ट पढ़ा दीजिए. सब्जेक्ट पढ़ाने से यदि पास होते तो सारे स्टूडेंट पास होते, क्योंकि सारे टीचर सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं. उस कोचिंग टेक्निक को जो बच्चा अडॉप्ट कर लेता वो पास हो जाता है. जो कोचिंग टेक्निक को अडॉप्ट नहीं करता उस बच्चे का बंटाधार हो जाता है. मैं एक आर्ट के ऊपर तुम्हें कॉन्स्टेंट वर्कआउट करने बोल रहा हूँ कि दोबारा नहीं पढ़ेंगे. अब यदि सम को जो जो बच्चे एक बार में पढ़ लिए ना, उनका तो बेड़ा पार. और जो दोबारा पढ़ेगा ना, वो दोबारा भी नहीं पढ़ पाएगा. फिर उसको तिबारा पढ़ना पड़ेगा, तिबारा भी नहीं पढ़ पाएगा. फिर बहुत टाइम वेस्ट करते, कैसे करते सम कैरी करेगा. एक बार में यदि सम रिटेन दिमाग में आ गया तो परफेक्ट. एक मूवी तुमको बार बार बोलूंगा, जरूर देख लेना टाइम मिलते ही. कौन सा? एयरलिफ्ट. रनवे 34. 30 सेकेंड में पढ़ा हो जाता. याद है दोस्तों सब. पूछो क्या पूछता है. वो सुपर ह्यूमन पावर अपने में नहीं है, परंतु वो सुपर ह्यूमन पावर का कुछ पोर्शन अपने में डेवलप किया जा सकता है. प्रोवाइडेड एक साइको बनाते हैं हम लोग, कि हम लोग एक ही बार पढ़ेंगे. तुम्हारा करियर अभी एजुकेशन का अच्छा खासा है, तुम ये अभी से डेवलप करोगे ना, तो 2 साल के अंदर ये चीज पक्का वाला रनवे 34 जैसा डेवलप हो जाए. परंतु इस बात को तुम्हें दिमाग में इंजेक्ट करना पड़ेगा, एक बार पढ़ो. और तुम्हें नहीं पता ये तुम्हारे जीवन में कितना काम आएगा. एक बार पढ़ो, भले बाद में तुम बिजनेस करो या जॉब करो, इतना काम आएगा. बस एक बार पढ़ो अपने दिमाग को क्लियर इंस्ट्रक्शंस. एक बार पढ़ूंगा रिटेन कर, एक बार पढ़ूंगा रिटेन कर, दोबारा पढ़ना नहीं बाबू. दोबारा पढ़े तो अपने दिमाग को थोड़ा सा बोले क्या कर रहा है, एक बार में क्यों नहीं पढ़ा. पूरे डेटा रिटेन करने, हाँ डेटा रेफर करने जाऊंगा मैं पीछे, लेकिन मेरे तो दिमाग में सम तो पूरा मोटा मोटी क्लियर है कि क्या पूछना चाह रहा है. और मोटा मोटी अभी मैंने MCQ इसका पढ़ा नहीं है, लेकिन मोटा मोटी बता सकता हूँ ये क्या क्या पूछेगा. RCM वाला पूछेगा, ITC कितना मिलेगा पूछेगा, कितना पोर्शन टैक्सेबल है पूछेगा. लॉलीपॉप है सम्स. ये सब उन्हीं बच्चों को टफ लगता है जो दोबारा पढ़ रहे हैं. दोबारा पढ़ेगा तो डेफिनेटली टफ है, बहुत टफ है. Determine the value deemed supply in the case of study given. Determine the value of deemed supply in the case study in the given above. लो भैया निकाला तो था यहाँ पे. हाँ deemed supply आपने कुछ दिया, आपने
डीम्ड सप्लाई 4,10,000 उस दिया ना। तो भैया ये जो आपने इंटर ब्रांचेज में जो सर्विस लिया है ना, ये डीम्ड टू बी सप्लाई है 7(1)C वाला। और ये जो आपने लैपटॉप दिया ना, ये डीम्ड टू बी सप्लाई नहीं है। तो आपसे पूछा जा रहा था 4,10 थी 4,60, तो हमने बोला 4,10। दो 4,10 पूछा, 4,60 पूछा, डेटा ही बता रही थी क्या पूछ रहा है। तो भैया आंसर 4,10 है मुन्ना, 50,000 थोड़ी माना जाएगा, हटा इसको। इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विस अवेल्ड बाय मैसेज सेफ बैंक लिमिटेड, द बैंक शैल पे द टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज ऑफ विच द फॉलोइंग सर्विस, बता देते हैं। LLP वाला तो नहीं होता, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग एजेंट इंडिविजुअल होता है तो एग्जम्प्ट होता है। तो हाँ, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट यदि इंडिविजुअल है तो RCM में जाता है, अदरवाइज नहीं। एग्जम्प्ट तो तब होता है जब रूरल ब्रांच लिए होता है, तो सब अर्बन ब्रांचेस है। तो सर्विस अवेल फ्रॉम फास्ट रिकवरी, ये तो RCM में जाएगा ही जाएगा। RCM हमेशा रिकवरी एजेंट इज ऑलवेज RCM, बोथ एंड बी ना, नन ऑफ द सर्विस, नहीं, फालतू बात, बी इज फॉल इन द RCM, रिकवरी एजेंट इज अंडर RCM। हाँ, शायद अच्छा ठीक है छोड़ना, लेकिन अपने सब पूरा पढ़ेंगे, इस बात को ओवररूल मत करो आप, शॉर्टकट नहीं होता, सब पूरा पढ़ना ही पड़ेगा। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्टेड सप्लाई प्रोवाइडेड बाई मैसेज सेफ बैंक लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ मे, 15,00,000। अच्छा एग्जेम्प्टेड सप्लाई, तो भैया मैंने जिन जिन को काटा वो बताओ, 25 और 15 60, 10 75, 25 और 15 60 जोड़ो भैया, 15 35 35 40 50 51 35, है क्या ऑप्शन, 51 35। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, ये तो बकवास है यार, ये एक ही सम पे दो नंबर दे दिया, 6/20, 9/20 और 10/45। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ ITC दैट कैन बी अवेल्ड, अभी बताते हैं ना, ये तो निकाला हुआ है, 9/11 है। सुभाष सिंह हो गया खत्म, 5 नंबर के लिए ज्यादा, मतलब कम समय में हो गया ये, 5 MCQ बनाने में इससे ज्यादा टाइम लगता मेरे को, ठीक है। सुभाष एंड कंपनी, अच्छा तुम तो 54 को 8 सम मान रहे थे, इसलिए तुम्हें लग रहा था कितना टॉर्चर है, 54 में तो 5 सम हो गए ना, मतलब पेपर 85 से ज्यादा का था। सुभाष एंड कंपनी रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइज टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, ओहो, इट नीड नॉट इश्यू टैक्स इनवॉइस छूट फॉर द गुड्स सप्लाइड ऑन 16 अप्रैल इफ द वैल्यू ऑफ गुड्स इज एंड रेसिपिएंट डज नॉट रिक्वायर सच इनवॉइस, 200 या उससे ज्यादा होने पे देना पड़ता है, लेकिन मैं तो एक्सीड ही नहीं कर रहा है 200 को, डज नॉट एक्सीड 200, यू डोंट नीड टू इश्यू इनवॉइस। ले जाऊं क्या तुम्हें, मैट में दिखा दू, मेरे को 2 मिनट रहता है, मैं बोलो इसको क्या, तुम फिर एकदम क्लियर, मैं तो एकदम क्लियर रहता है सब। डेढ़ सौ नहीं, तुम तो बोलना चाह रहे डज नॉट एक्सीड 150, तो फिर उसको इनवॉइस देना नहीं है, मतलब इसका मतलब तुम ये बोलना चाह रहे 150 के ऊपर होते ही इनवॉइस देना पड़ेगा। द रजिस्टर्ड पर्सन मे नॉट इश्यू, नहीं बिल ऑफ सप्लाई आ गया, वेर द वैल्यू ऑफ सप्लाई और सर्विस डज नॉट एक्सीड 200, 200 हुआ तो हम लोग इन्वॉइस नहीं देंगे, 200 से ज्यादा होते इन्वॉइस देंगे। आंसर एब्सोल्यूट था मेरे हिसाब से, सबका राइट हुआ। बैलेंस इन ई क्रेडिट लेजर कैन बी यूटिलाइज अगेंस्ट पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स पेबल, 1 आंसर ऑन, इन केस ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विस बाई अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी
इनवॉइस शैल बी इश्यूड विद इन द पीरियड ऑफ 45 डेज. ये सब तो राइट हो रहा होगा. वेयर द गुड्स बीन सेंट और टेकन ऑन अप्रूवल फॉर सेल और रिटर्न बेसिस देन 6 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ रिमूवल और बिफोर एट द टाइम ऑफ सप्लाई सी ए ऑर बी विच एवर इज अर्लियर. इनवॉइस शैल बी प्रिपेयर्ड. Which of the following shall be discharged first while discharging the liability? All dues relating to previous time, all dues. Option क्या है? No such condition is my. And answer is A. मतलब सभी wrong है. क्या बोलूँ? Designing wrong है. All dues were wrong है. Self assessed dues होना चाहिए. All dues ही बोला आपने. ठीक है. इन चार में बेटर आंसर है ए. ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे जेड लिमिटेड. देख भाई, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रोल प्ले करता है रेदर देन कितना पढ़ के आया है. तो बाबू, यदि तुम 3 घंटे तक तेरे शरीर में कैपेबिलिटी नहीं है तो डू समथिंग. वो करना पड़ेगा. ब्रेक ले ले भले तुम, लेकिन 50% बच्चे अपने पुअर कॉन्सेंट्रेशन या पुअर फिजिकल फिटनेस से कांड फेल होते हैं और वो इस बात को रिकॉग्नाइज ही नहीं करते. मतलब फिजिकल फिटनेस मतलब ये नहीं कि तुम कितना डोले सोले उठा सकता है, मतलब तुम कितना जल्दी टायर्ड हो जाता है. टायर्ड होते मतलब तुम्हारा फिजिकल स्ट्रेंथ डाउट फेल. हमारा ब्रेक चल रहा. जवाब भी नहीं दे रहा है कि क्या इश्यू है यार. ये चैटबॉट्स ऑप्शन रहता है यार. ब्रेक ओवर करते लीजिए. मुझे बहुत दुख हुआ यार, तुम लोग कुछ बोला भी नहीं मेरे को. इन लोग को स्क्रीन नजर नहीं आ रहा था, लोग कुछ बोल भी नहीं रहे थे. बदमाश. आई होप ऑल क्लियर यार. टू वे कम्युनिकेशन क्यों नहीं रहते यार. अभी अभी स्क्रीन नजर आ रहा होगा. आई होप बेटर हो गया होगा पहले से. तो रिप्लाई नहीं है. यस फाइन. आओ ब्रेक ओवर. हाँ
आओ आगे बढ़ते हैं। सिक्सटी वन में आ गया। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे जेड लिमिटेड सोल्ड गुड्स टू वाई लिमिटेड फॉर 2,55,000 एंड चार्ज जीएसटी एट द रेट 18%। हाउएवर ओइंग टू सम डिफेक्ट इन द गुड्स वाई लिमिटेड रिटर्न द गुड्स बाय इशूइंग डेबिट नोट। वाओ रिटर्न द गुड्स बाय इशूइंग डेबिट नोट ऑफ रुपीज 40,000 इन द सेम मंथ। जेड लिमिटेड रिकॉर्डेड द रिटर्न फॉर ऑफ गुड्स by issuing a credit note of 40,000 plus GST in the same month. In this situation, GST liability of Z Limited for the month of May will be 38,000. During the month of May, Z Limited sold goods to buy limit to 255 per Kelsey chalana padega bhai. 255 per Kelsey chalana de par. 45,900. Y Limited returned the goods by issuing debit note. In the same month, Z Limited recorded the return of goods by issuing a credit of 40,000. So finally, 255 minus 40,000 into 18%, 38,700. तुम जो बोला वही लिखा भैया, तुम्हारे बोलने पे तुम लोग लिख पाया। Which of the following activities shall be treated neither as supply of goods nor as supply of service? ये बड़ा आसान है भैया। सर्विस मैन एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर भैया 4 तो पक्का है। ट्रांसपोर्ट ऑफ डिसीज भैया 3 तो पक्का है। टेम्परेरी ट्रांसफर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ये नहीं है। परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट वे इनपुट, तो भैया 3 एंड 4 जहाँ हो वहाँ पे हाथ रख दीजिए। सब साथ में हो। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस? बताओ। ट्रांसफर ऑफ राइट ऑन गुड्स विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स। ट्रांसफर ऑफ टाइटल विच इज एन आंसर इज वन। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस रिसीव्ड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस विदाउट कंसिडरेशन अमाउंट टू सप्लाई? आसान है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय पर्सन इन इंडिया फ्रॉम हिज सन well settled in USA, import of service by a person in India from his brother well settled in Germany, import of service by a person in India from his brother wholly dependent on such person in India in France, import of service by a person in India from his daughter wholly dependent on such person in India in Russia. To bhaiya 1 bhi hai, 3 bhi hai, 4 bhi hai. 1, 3, 4. Import of service by a person in India from his son. तो son is a related person, fall कर दिया। 2, related persons नहीं है, इसलिए ये deemed supply नहीं है। 3, brother है लेकिन dependent है, तो ये related persons है। और 4, import of service by a person in India from his daughter. Daughter तो related person है ही। Brother related persons कहाँ है? 2 वाला brother related persons कहाँ है? 3 वाला ब्रदर रिलेटेड पर्सन है। तो 1, 3 एंड 4 आंसर इज ए। 64 का आंसर हुआ ए। आओ 65 में चले। Assuming that all the activities given below are undertaken for a consideration, state which of the following is not a supply? Wow. Renting of commercial office complex है। An employee agreeing to not to work for the competitor business after leaving the current employment। ये तो नहीं है। Repairing of mobile phone ये तो है। Provision of service by an employee to the employer in the course of employment। हाँ। The due date of filing of return is 20th of the next month, 18th in of the month succeeding the quarter, within 3 months of the date of cancellation of date of order of cancellation, whichever is later, 31st December of next year. Final return. Oh, re, kya itna pooch rahe the? Discount given after the supply has been effected is deducted from the value of taxable supply if
such discount is given as per the agreement, such discount is linked to the invoice, etc. 3. Which of the following statement, ये सब direct समय एकदम direct, इसलिए explanation नहीं दे रहा हूं. यदि ये तुमसे नहीं हुआ इसका मतलब तुमने concentration lose किया, topic में कोई clue नहीं है इसमें, सब simple है. Which of the following statement is true? बताते हैं. Grandparents are never considered as related person. झूठा. Grandparents are always considered as related person. झूठा. Grandparents are considered as related person to their grandson if they are wholly dependent. सच्चा. Grandparents are considered as related person to their grandsons if they are not dependent. ये क्या बोल रहा है? इनकम टैक्स और जीएसटी जिस दिन एक साथ पढ़ते जाएगा ना उस दिन बहुत टफ लगेगा, क्योंकि इनकम टैक्स में ग्रैंड पेरेंट्स रिलेटेड पर्सन ज्यादा में नहीं है. इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स फॉर रुपीज 5 लाख फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड. एडवांस रिसीव से मतलब नहीं है, इन्वॉइस रिसीव से मतलब है, गुड्स रिमूव से मतलब नहीं है. हो गया. विच इज द टाइम ऑफ सप्लाई? 15 अप्रैल. एडवांस से मतलब नहीं था, इन्वॉइस डेट पहले था. श्याम लिमिटेड इज रिसीविंग लीगल सर्विस फ्रॉम अ लॉयर मिस्टर ध्यान. द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ श्याम इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज 40 लाख. द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द डेट ऑफ पेमेंट इन्वॉइस एसेट्रा इज फॉलोज. इन्वॉइस रिसीव्ड बाय मिस्टर ध्यान 15 अप्रैल. पेमेंट रिसीव बाय मिस्टर ध्यान, भैया पहले बताओ 40 लाख को एक्सीड है, 40 लाख तक है. The aggregate turnover of Sam Limited in the preceding financial year is 40 lakh. Sam Limited is receiving legal service from a lawyer. No, Sam Limited is receiving legal service from a lawyer. Goods ले रहा है ना, तुझने बोला तू limited है, goods मान नहीं दिया. देखते क्या बोल रहा था. Invoice received by Mr. Dhyan on 15th April. Payment received Dhyan. डेट ऑफ पेमेंट इन दैट एग्जाम, व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई? दूर. तो भैया सम रॉन्ग है, पुराना जमाने का समय, इसको आप 40 या 50 कर लो, क्योंकि 40 लाख तक का टर्नओवर है और श्याम लिमिटेड सप्लायर ऑफ गुड्स है तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा. अब मैं बता देता हूं, आरसीएम है तो आरसीएम में इनवॉइस इश्यूड से मतलब नहीं है, वहां से 60 दिन जाना पड़ेगा. पेमेंट पहले आ गया 5 मई और डेट ऑफ पेमेंट एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट से कोई मतलब नहीं है. पेमेंट रिसीव्ड ऑन 5 मई एंड पेमेंट इंटर्ड ऑन द 1 मई, तो 1 मई आंसर 1 मई, क्योंकि डेट ऑफ पेमेंट माना जाता है जिस दिन आपके पेमेंट बैंक में आया या फिर जिस दिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आया, 1 मई. फिर कहानी आ गई क्या? अब लाइन से कहानियां ही है. हाँ यार, तो चाप है, ये तो 100 नंबर का पेपर चिटिंग कर लिया, मतलब ये तो बहुत लंबा हो गया, होना ही नहीं है, ये बहुत लंबा हो गया पेपर, 15, 5, 75 तो यही हो गया. नहीं, अब तो जाती हो गई. तो आज क्लास अपने यहीं पे उबर करते हैं, पार्ट में करते हैं. हमने कितना हैंडल किया? 75 ना. सत्तर ना. तो मेरे हिसाब से तुम लोग ये टाइम लेके 71 से 85 जो तुमने किया ही नहीं है, लिटरली तुमने किया ही नहीं है. तो यदि 70 से 85 तक किसने नहीं किया तो पहले वो कर लो, फिर अपने एक दिन और रख के 1.5 घंटे और लेंगे, सबको सल्टा दे. आज चाप देना सही नहीं.